ये 300 मीटर की दूरी से फायर कर रहे थे, लॉन्ग रेंज से हमारी चेक पोस्ट पर और जवानों पर हमला कर रहे थे विदाउट कमिंग फॉरवर्ड, ताकि इन्हें नुकसान ना पहुंचाया जा सके और ये नज़र ना आ सकें। और ये आधी रात का वक्त था, इनके पास नाइट विजन गॉगल्स और रात की तारीकी में काम करने वाला जो असला है उसके हवाले से भी तफसीलात आई हैं। जाहिर बात है फॉरेन इन्वॉल्वमेंट होती है और हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सीपैक और गवादर और पूरे बलूचिस्तान के अमन को सबोताज करना और वहाँ पर जो एक अमन व अमान की कायम करदा फ़जा है उसे तब्दील करना और उसके अंदर ये चीज़ें लाना, ये इन दहशत गर्दों का दहशत गर्द भेजते हैं। पाक फौज बहुत अच्छे अंदाज में उनसे निपट रही होती है और खूब निशाने लगाकर उनको मारती है। ये देखकर दुश्मन बहुत गुस्सा होते हैं कि फौज हर वक्त हमारे रास्ते में रुकावट है। फिर दुश्मन अपने तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों को जदीद असला और नाइट विजन के आलात देकर पाकिस्तान की तरफ भेजते हैं। मगर जूं ही वो पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होते हैं तो पाक फौज उनको अपने रडार सिस्टम पर देख लेती है।